अभी सुबह के 6 बजे हैं और 5:30 का प्लान था ताजमहल जाने के लिए, बट बाकी लोग अभी भी सो रहे हैं। किसी को फ़ोन किया तो कोई उठने के मूड में नहीं है। सो लेट्स कॉल देम। एक्चुअली ताजमहल को जाने के लिए आपको बुकिंग करना पड़ेगा। दो टाइप के टिकट हैं, 250 और 50। आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे हम दिया। जा रहे ताज देखने के लिए। ये है वैभव, ये है अभिषेक और हम जा रहे ताज देखने। यहाँ पे कोई पार्टी विल्टी नहीं होती, सब ताज देखने जा रहे हैं। ये लगभग आधा 1 किलोमीटर डिस्टेंस है जहाँ से आप वॉक करके जा सकते हो। बीच बीच में आपको काफ़ी ये लोग मिलेंगे जो बोलेंगे आपको गाइड चाहिए क्या वगैरह। ये इस साइड का गेट है जहाँ से आप वॉक करके अंदर जा सकते हो। यहाँ पे हमारा टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था क्योंकि नेटवर्क का इशू था। साइड में जाने के बाद में ये सॉर्ट आउट हो गया। ये जब अंदर जाओगे तो ताजमहल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया है, एक बार आप पढ़ सकते हो। ये ताजमहल में जो है कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना है आपको। फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए मनाही है कुछ कुछ जगह पे। ये जो है ताजमहल पे जाने के लिए मेन, मतलब जो पहला गेट आता है, ये कितना सुंदर रचना किया है। देखो पूरा वाइट दिखेगा और जैसे ही एंट्री करोगे तो पूरा फोकस ताजमहल के ऊपर जाएगा आपका। मतलब क्या रचना किया है, एकदम नेक्स्ट लेवल। बहुत सारी भीड़ यहाँ पे आपको देखने के मिलती है। लगभग अभी तो कोविड की वजह से कम है, बट 12,000 के आसपास लोग विज़िट करते हैं यहाँ पे। अभी आजकल सिर्फ 4,000 पर डे लिमिट रखा है। जो कलश है ये कांस्य का बनाया है। जो ओरिजिनल का कलश था वो गोल्ड का था 1800 सदियों तक। उसके बाद में इंग्रजों ने उसको निकाला था यहाँ से, गोल्ड का जो कलश। उसके बाद में फिर से ये कांस्य का वहाँ पे बिठाया है। ये जो 4 मीनार है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ झुकते हुए आपको नज़र आएंगे ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि इसकी रचना ही ऐसे की है। अगर फ्यूचर में कुछ आपदा परिस्थिति हो, भूकंप वगैरह, तो ये मीनार की जो है बाहर की तरफ गिरे। ताजमहल के प्रवेश द्वार पर लिखा है, हे आत्मा तू ईश्वर पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी पूर्ण शांति तुझ पर बरसे। ताजमहल के द्वार पर कुरान की आयतें उकेरी गई है। ये जो है यमुना नदी है। यमुना नदी के एकदम साइड में इसको स्थित किया है। बाय द वे ये जो बैक साइड का साइड है यही मेन डोर पहले कहा जाता था। ये मीनार पे भी छोटे छोटे कलश है, अभी ये कांस्य के बनाए हैं। ये मीनार दिखने में छोटे लगते हैं बट जब आप खुद जाके वहाँ पे देखोगे इट्स अ ह्यूज, आई मीन इतना सुंदर है और बहुत बड़े हैं। मतलब ये लगभग जो कुतुब मीनार है इससे भी 5 फीट जो है इसका हाइट ज़्यादा है। पूरा ये संगमरमर का बनाया हुआ है। ये डिज़ाइन वगैरह इसमें अलग अलग धातु डाले हैं। यहाँ पे जब आप ऊपर देखोगे तो मतलब आश्चर्यचकित हो जाओगे। और ये यहाँ पे जो गार्डन बनाए हैं, ये गार्डन काफ़ी अलग अलग तरीके से बनाए हैं। ये 16 गार्डन है, इसके पीछे भी एक ये है। और ये जो फवारे दिख रहे हैं इसका भी एक राज है कि वे सब साथ में ही ब्लो होते हैं। सो ऐसे है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में मतलब कवर नहीं कर पाया, बट आप ये जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जो ओरिजिनल वीडियोस है उसके लिए, तो आप उसको ज़रूर देखिए। यहाँ पे बाद में शादी के लिए आए थे। रिकॉर्ड कर रहे हैं।
ये शादी रात में लगभग चालू हुआ 10-11 बजे के आसपास, एंड पूरा सुबह 5 बजे तक ये अलग अलग प्रोग्राम वगैरह चल रहे थे। ये जो फेरे वगैरह लेते हैं इसके लिए बाहर के साइड में एक छोटा सा मंडप बनाया था, मतलब बहुत सुंदर बनाया था ये देखो, मतलब अलग अलग लाइट्स वगैरह उसके ऊपर फ्लो किए थे, और इसके बाहर में जो है ये पानी का फ्लो वगैरह ये मतलब रात में बंद कर दिया था, बट हमने पूछा उनको चालू कर सकते हैं क्या, तो जब विदाई हो रही थी तो उस समय जो होटल का मैनेजर है उसने फिर से ये पूरा वाटर फ्लोर वो ऑन किया। उसके बाद में मैं सुबह ही, मेरा ट्रेन था तो सुबह 8 बजे वहाँ से निकल गया, मतलब जैसे 7:30 बजे निकल गया, शादी के बाद में सब थक चुके थे तो सो गए, और मैं सेम पुणे के लिए ट्रेन नहीं मिल रहा था तो इसीलिए मुंबई के लिए ट्रेन लिया, और बाद में झांसी पे थोड़ी देर ट्रेन रुकी। आते समय नॉर्मल टिकट था तो इसीलिए थोड़ा छोटे मोटे दिक्कत हुआ, बट इट वाज गुड जर्नी। बाद में पनवेल में उतरने के बाद में यहाँ से पूरी हालत ख़राब हो गई थी मतलब इतना भी नहीं बट थोड़ा ये हो गया था। उसके बाद में थोड़ा सा वॉक किया मैंने, तो वॉक करते करते 10 मिनट के अंतर पे एक अपना लालपरी का बस स्टैंड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ये सो यहाँ पे आया, और यहाँ से फिर ये बस लेके पुणे के लिए निकला। सो मोस्टली मैंने डिसाइड किया था कि 2 घंटे में, ऐसे पूरा कैलकुलेशन था कि 9 बजे 9:30 बजे तक पुणे में पहुँच जाऊँगा, बट थोड़ा 2 घंटे डिले हुआ। इसका टिकट भी काफ़ी कम था, बट मॉर्निंग के टाइम था और वह एटमॉस्फेयर इतना सही था कि आई गेस एवरी टाइम मॉर्निंग में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो यू शुड प्रीफर दिस नॉन एसी बसेस, क्योंकि आप थोड़ा रिलेट भी कर पाओगे एनवायरनमेंट के साथ में। ये जो है सर, मतलब जो कंडक्टर था ये यहाँ से थे, अपने कोल्हापुर से, तो बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि उनका भी एक भाई है, ही also do the vlogs for this YouTube. So इसके बाद में थोड़े बातें भी थे की, और बस पूरा खाली था, मे बी कोविड की वजह से। ये आई गेस रिटर्न आते समय मुंबई से पहला पनवेल के बाद में एक फोकदा लगता है, और यह है अपना कोल्हापुर की लाल परी। ये एक्चुअली पुणे में नहीं जाती है ऐसा बोल रहे थे, बट बाद में पता चला कि ये नहीं बोल रहे थे क्योंकि ये चांदनी चौक से पार होती है, तो मुझे चांदनी चौक ही जाना था इसलिए आए। ये बीच में यहाँ पर रुकी थी गाड़ी। वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना, और ताजमहल की इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वो ज़रूर देखना। आल्सो रिकमेंड वॉच मूवीज़, मैं मूवीज़ का भी लिंक पोस्ट करूँगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।